लेते हैं तो अगला अगला जीवन अपने लिए श्रेष्ठ होता है। यही बात मच्छिंद्रनाथ जी नवनारायण के भगवान श्री कृष्ण के पास बैठने पर ये बात कह रहे थे कि हमारे जीवन का उद्धार कैसे हो। सभी लोग कृष्ण भगवान की कृष्ण भगवान का द्वापर युग होने के बाद, वह जब कृष्ण भगवान के बाद गोपिकाओं या इस रासलीला उनको करने वाले उनके जितने भी लोग थे कृष्ण की उस परंपरा को चलाया, और बाद में वे कृष्ण की तरह योगी न रहने कारण, उद्धरित न रहने के कारण उनका पाप उनको लगा और सारे द्वारकाओं में हलचल मच गई और एक संक्रामक रोग से संक्रमित से स्त्रियां भी बदल गई, पुरुष भी बदल गए और वो एक प्रकार का उपद्रव आरंभ हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब लोग मैं जैसा करता हूँ वैसा करने के लिए ही चल रहे हैं, लेकिन इनको अगर नदी स्नान किया हूँ तो हमारे सारे पुण्य कहाँ गए, हम तो कष्ट ही अनुभव कर रहे हैं। ऐसा सभी का कहना था, मैंने देवताओं को देखा है, मैं रोज गुरु मंत्र जप करता हूँ लेकिन मुझे वो सिद्धियाँ नहीं मिलती, वो साधना की सफलता नहीं मिलती, जीवन में एक तृप्ति नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए। मच्छिंद्रनाथ जी चिंतित हुए, बोले मैं तो सभी देवताओं को तो सिद्ध कर लिया हूँ, सभी देवताओं को तो मांग लिया हूँ, फिर इन अगर मैं ये लोक कल्याण नहीं करूँगा। कहते हैं हमारे शास्त्र पुराण सारे कहते हैं गंगा में स्नान करो तो सारे पाप चले जाते हैं, शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाओ तो सारे पाप चले जाते हैं, फिर सारे पाप चले गए तो फिर हम दुखी क्यों, आज भी ये दुख क्यों अनुभव कर रहे हैं हमारे जीवन में, ऐसा कैसे हो। ये सारे मथुरा और ब्रजवासी उस जमाने में जो थे उन लोगों ने कहा कि हमने इतना सब पुण्य किया है कृष्ण की धूली को अब होगा, लेकिन बहुत सारे लोग पुण्यवान भी हैं जिन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की है, गायत्री माता की आराधना की है, भगवान के दर्शन लेते हैं, नदी स्नान करते हैं, गुरु मंत्र जप करते हैं, सब करते हैं, फिर भी उनके जीवन में तृप्ति नहीं। आज कुछ पापियों के कारण आज हमारे पर वर्षा नहीं होती तो पुण्यवानों का क्या, उनकी ओ कैसे लिए, किस तरह जिए, क्या पुण्यवानों का उसका उनका फल नहीं मिलता। इस बात से चिंतित सभी लोग नाथ साम्प्रदाय के उस मच्छिंद्रनाथ और सभी नाथ साम्प्रदाय के पास गए और पूछने लगे कि इसका कुछ कोई ना कोई कारण तो हमें बताओ। यही कारण इसी तरह हो रहा था कि मैंने जैसा भर्तृहरि जी के बारे में बताया जो अग्नि नारायण के पुत्र कहने के कारण हुए जन्म हुआ और विक्रमादित्य राजा के साथ वे विक्रमादित्य उनके बड़े भाई कहलाने लगे और भर्तृहरि उनके साथ रहने लगे। वो राजा का ही भाई था इसलिए उनकी पत्नियां 1200 पत्नियां हुई और बाद में उनको एक सुंदर स्त्री जो अप्सरा सदृश थी वो शापग्रस्त होकर आई जिसका नाम था पिंगला। बहुत सुंदर थी और वो उसकी सुंदरता के कारण एक दिन दोनों भी भर्तृहरि पिंगला बात करने बैठे हुए थे तो भर्तृहरि ने कहा कि संसार में मैंने सब कुछ भोग लिया है, सब कुछ कर लिया है, तुझे भी भोगाऊं, सब कुछ किया हूं, लेकिन समझ अगर मैं पहले चले गया जातस्य मरणं ध्रुवम्, अगर मैं पहले मर गया तो तेरा क्या होगा, तेरी सुंदरता किस तरह कहाँ जाएगी। पिंगला बोली, उसने छट के साथ भर्तृहरि का मुँह दबाया और कहा ऐसा नहीं होगा, मरूंगी तो पहले मैं बाद में तुम, ऐसा दिन आएगा ही नहीं जिसके कारण मैं तुम्हें पहले मरते हुए देखूं और ऐसे दुख को मैं सहन नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी भर्तृहरि ने कहा मरण तो तेरे और मेरे हाथ में तो है ही नहीं, ये तो कभी भी किसी को किसी भी तरह आ सकता है, तो ऐसा कैसे कह सकती हूँ। तो कहा कि अगर जिस क्षण ये पता चला कि भर्तृहरि चले गए हैं तो आप याद रखना तत्क्षण एक घंटे के अंदर अंदर मैं मेरे प्राण छोड़ दूंगी। भर्तृहरि हंसते रह गए, 1200 पत्नियां हैं उसमें तू क्या मरेगी मेरे साथ, ये सारी बातें नहीं। और एक दिन वो शिकार को गए तो उनको याद आया कि पिंगला ने कहा है कि मैं मर गया तो वो मर जाएंगे, देखेंगे ये कहाँ तक सच है। उसने एक हरिण को मारा, अपने कपड़ों का सब खून लगाया और भेज दिया कि भर्तृहरि के ऊपर एक पशु ने मारकर खाया। जैसे ही वो गए पिंगला ने देखा कि पति मर गए, वो एक मिनट भी नहीं रही और उन्होंने स्थिति जाने के लिए सारी तैयारी कर ली और अग्नि का निर्माण किया और अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। भर्तृहरि समझे रहे थे कि ये पिंगला ऐसी ही बात करी थी, उसने नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो शिकार से राज्य में लौटे तो देखा कि सारा सन्नाटा छाया हुआ है और पता चला कि पिंगला मर गई। बहुत प्रेम करते थे पिंगला से भर्तृहरि, अब उसके स्मशान में जाकर उसके भस्म को उसकी हड्डियों को लेकर रोने लगे ये कि वो भगवान दत्तात्रेय के अवतार होने के कारण भर्तृहरि नाथ है और इतनी सी माया में इतने पड़े हुए कि पिंगला मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता, अब मैं भी मर जाता हूँ। बहुत सारे लोग उसको समझाने लगे, विक्रमादित्य महाराजा ने भी समझाया, कोई भी आए किससे भी ये काम नहीं हुआ। आखिर दत्तात्रेय जी ने कहा कि ये काम अब कौन करेगा, भर्तृहरि को कौन समझाएगा, वो तो मरने के लिए तैयार हो रहा है।
गोरखनाथ जी को बुलाया, अरे गोरख सुन, अपने नाथ संप्रदाय के भर्तृहरि नाथ है, वो ऐसा हो गया कि वो अपनी पत्नी मर गई तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उस माया में कि उसे हटना ही नहीं है, वो मरने के लिए तैयार है, किसी भी तरफ उसको उससे माया से लाना है। बोले प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो मैं भर्तृहरि को बदल सकता हूँ। बोले मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू जा और उसको बदल के रहा, स्मशान में बैठा हुआ। गोरखनाथ जी गए, देखते क्या है कि भर्तृहरि नाथ सर पीट रहे हैं, रो रहे हैं, पिंगला तेरे बगैर मैं नहीं जी सकता, वो नहीं कर सकता, उसकी हड्डियां पकड़ रहे हैं, भस्म लगा ले रहे हैं, वहीं नीचे ऊपर हो रहे हैं। गोरखनाथ जी बोले देखे उसको, बोले ये तो ऐसा मानने वाला नहीं, मैं कुछ भी करूँ ये तो मानने वाला नहीं है। वो गए एक कुम्हार के पास, गए जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके पास गए और एक अच्छा मिट्टी का बर्तन बनाया, उसके ऊपर रंग रंग कलर बिलर सब करके उस अच्छे हंडी को अच्छा तैयार किया, और जहाँ भर्तृहरि बैठकर रो रहे थे वहाँ पीछे से आए और होना बोल के ठोकर लगाए और नीचे गिर गए, और उसका वो हंडी रंग रंगीन वाली हंडी फूट गई। अब गोरखनाथ जी जोर जोर से रोने लगे, मेरी हंडी तू चले गई, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। भर्तृहरि वहां बैठे थे, बोला सारा हंडी के लिए रो रहा है, अरे इधर आ, इधर आ, क्या क्या हो गया, अरे मैं क्या बताऊं, मेरी हंडी कितनी रंगीन, कितने रंग लगाया था, कितने दिन से पूजा कर रहा था, साली टूट गई, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, वो हो पुकार। भर्तृहरि बोला दीवाना हो गया, तेरे को ऐसे 100 हंडियां लाके देता हूँ, तू क्या बात कर रहा है, ये हंडी के लिए रोता है कुछ ना। बोला तू क्यों रो रहा है। उन्होंने बोला मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो मर गई, उसके लिए वो मेरी पत्नी होती है। अरे तू क्या कह रहा है, तू 100 हंडी, मेरी हंडी तो नहीं ला सकता, ला सकता है क्या, नहीं ला सकता, मैं तेरी 100 पुंगलाओं को जन्म दे सकता हूँ, साला मेरी हंडी को ला के। आप भर्तृहरि बोले ये तो बात होने वाली नहीं, तू पिंगला को ला सकता, तो लगी शर्त क्या, मैं तेरी 100 पिंगलाओं को जन्म देता हूँ, लेकिन तू जैसा मैं कहता हूँ तुझे करना होगा, या तो तुझे मेरी हंडी ला के दी। भर्तृहरि को विद्या नहीं आती थी हंडी को कैसे ला के दी, दूसरी हंडी को नहीं, तो वो तो कहता था कि उसी हंडी को जला, ये जानते थे। गोरखनाथ जी संजीवनी मंत्र को जाते थे, भस्म लिया पिंगला का और एक पुतला तैयार करके पानी छेका, 100 पिंगलाएं तैयार। भर्तृहरि देखा कि 100 पिंगलाओं को तैयार करने वाला ये तो कोई अद्भुत आदमी ही होगा, इतना श्रेष्ठ आदमी कहलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या कहा, तेरी 100 पिंगलाएं रेडी, पिंगलाएं आई और भर्तृहरि पर गिरने लगी। चलो नाथ हम चलेंगे जाएंगे। 100 पिंगलाओं को देखकर भर्तृहरि परेशान हो गए, बोले ये क्या साधु है, मेरे पीछे क्या लगा दिया। बोले नाथ अब इसको छोड़ दो, हम संसार करेंगे। भर्तृहरि को पता चला कि मैं सारी सिद्धियों को छोड़कर, सारी चीजों को छोड़कर इसके पीछे पड़ गया। बोले हे नाथ तूने कुछ भी किया है, यार यार इससे पीछा छोड़ा, 100 पिंगलाएं मेरे पीछे लग गई, छुड़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, एक बात मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना होगा। गोरखनाथ ने कहा तुझे इस वैराग्य से आज भी तू चाहता है कि 100 पिंगलाओं के साथ तुझे छोड़कर मैं जा सकता हूँ, लेकिन तेरा यह गम्य स्थान नहीं है, तुझे आगे चलना है, तुझे क्या करना है यह मैं बतलाता हूँ। और उन्होंने भगवान दत्तात्रेय जी के पास उनको लेने की बात कही, तो उन्होंने कहा मेरी हंडी का क्या होगा, मेरे से नहीं हो सकता, मैं तेरी हंडी नहीं ला के दे सकता, मैंने तेरे पिंगलाओं को अगर मैं जिंदा कर सका हूँ और तुझे फिर वो विद्या को अगर मैं दे सका हूँ, तो मैं तू जान सकता है कि मैं कितना शक्तिवान हूँ। इस शक्ति को प्रदान करने वाले मेरे गुरु दत्तात्रेय भगवान, अगर तू उनके पास आता है तो मैं तुझे इस विद्या को सिखाऊंगा। वो भर्तृहरि नाथ को लेकर वहाँ गए और दत्तात्रेय जी को पूछा क्या हुआ, तो कहा प्रभु इतने दिव्य शिष्य को तुमने सृष्टि की है, इतना सब कुछ किया है, जो गया उसको प्राप्त करने के लिए, दुख से मिटाने के लिए तुमने ये जो कार्य किया ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन क्या इस संसार में ऐसे दुखी बहुत सारे हैं, अपना धन गया, ऐश्वर्य गया, पत्नी गई, बच्चे गए बल्कि रोने वाले, घर गया, वो मेरे नौकरी गई, मेरे राजा गया बल्कि रोने वाले हजारों लोग हैं, फिर इनका उद्धार कैसे होगा। ऐसी बात बताओ कि यहाँ गोरखनाथ जी ने कौन सा ऐसा प्रयोग किया जिसके कारण यह उठकर एक दिव्य सिद्ध पुरुष बन सका, इसके कोई उसका कोई मार्ग बताओ। तब भगवान कहते हैं कि इस संसार में पालन पोषण करने वाले देवता भगवान नारायण कहलाए जाते हैं, और भगवान नारायण कहलाए जाते हैं। तुम्हारा इस संसार में कुछ भी गया, तुम्हारे संसार में तुम्हें ऐश्वर्य नहीं मिला, तुम्हारे संसार में तुम्हारा अधिकार नहीं मिला, तुम्हारे संसार में तुम्हें खाना ऐश्वर्य भोग वैभव आदि नहीं मिला, तो ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, लक्ष्मी को अपने साथ लेकर चलने वाले भगवान नारायण कहलाए जाते हैं। और गोरखनाथ जी ने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया है और कहा है कि इसका ऐश्वर्य इसको दे दे, तू एक ऐश्वर्य के लिए रो रहा था, वो 100 ऐश्वर्य 100 पिंगलाओं को तेरे सामने लाया केवल एक प्रयोग के कारण। और ये विषय ही तुम जिस प्रयोग के लिए रोते हो, तुम एक बार तुम्हारा जीवन किस लिए ये सोचो। आज मेरे पास आप सब लोग बैठे, कोई बॉडी में पानी नहीं आया कहकर रोता है,
कोई वर्षा नहीं हो रही कहकर रहता है, कोई पत्नी ठीक नहीं कहता है, कोई साधना नहीं हो रही कहता है, कोई पैसा नहीं है तो कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं चल रहा है। ये आप सभी लोगों की समस्या है। मैं अगर कहूं कि तुम कब मेरे साथ मानस सरोवर आने वाले हो तो गुरु जी जरा ठहर जाओ, मानस सरोवर आने जाओ और बहुत समय है, मेरे पास 2 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, और मानस सरोवर आऊंगा तो मेरा क्या होगा, 9 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, नौकरी नहीं है। ये सारी कहानियां मुझे इतनी लंबी चौड़ी सुनाई, मैं कब ले जाऊंगा आप सभी को, वहां ले जाने के लिए क्या करना होगा। तो मैं यही सोचता हूं कि आपके ऊपर अगर नारायणास्त्र का प्रयोग करूं तो ये सारी चीजें आप में छूट जाएगी, सब पिंगलाएं आपके पास आ गई, ऊपर से वर्षा बर्बाद बरसा सका, तुम्हारी नौकरी तुम्हें दे सका, तुम्हारी पत्नी तुम्हें दे सका, तब भी आएंगे तो नहीं गुरु जी एक पत्नी से बस नहीं हो रहा है, 100 पत्नी आ दो, एक बार छिड़के गएंगे गुरु जी 100 पत्नियों से छुड़ा दो, एक पत्नी से ही नहीं हो रहा है, इतने ऐश्वर्य से नहीं छूट रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे ऊपर अगर मुझे साथ में लेकर जाना है, सिद्धाश्रम पहुंचना है, तो तुम्हें पहले तुम्हारे ऊपर नारायणास्त्र का प्रयोग करना ही ठीक है। अगर वो प्रयोग करूंगा तो तुम तुम्हारे ऐश्वर्यों से तो छूटेंगे, तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हें जो प्राप्त है उसे तो प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त कर लेने के बाद छूटेंगे या नहीं छूटेंगे, बाद में जो प्रयोग करना है मैं करूंगा ही करूंगा जब ये प्रयोग किया हूं। अपने जीवन में आज तक अपनी जितनी भी साधनाएं संपन्न की है और एक साधनाओं का फल नहीं मिला, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे भरतराज भी कह रहा था पिंगला तो उसको ऐश्वर्य के साथ मिली थी लेकिन इसके ही गलती के कारण वो मरी, वैसे ही तुमने ऐश्वर्य तो भगवान नारायण गुरु के पास से गुरु मंत्र से तुमने सब कुछ पाया है लेकिन खोने का उतना ही डर है तुम्हारे पीछे, वो नहीं मिला, आज साइकिल मिली तो कल स्कूटर मिली थी, कार मिली तो कल हवाई जहाज, इस तरह चलने वाले आप साइकिल के बारे में विचार नहीं करते कि मुझे साइकिल पर गुरु के पास से मिली है या नहीं, अब कार और उसके ऐश्वर्य करते हैं। शादी नहीं हुई थी परेशान थे, शादी हुई बच्ची नहीं हुई, बच्ची नहीं हुई बच्चा होना चाहिए, बच्चा हुआ घर मिलना चाहिए, घर हुआ वो अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ा उसकी शादी होनी चाहिए, उसकी शादी हुई उसको बच्चे होने चाहिए, चला सिलसिला गुरु इसके पीछे ही लगा हुआ। अरे कभी मानस सरोवर चलो, अभी कहाँ गुरु जी बच्चे की शादी होने वाली, अभी पढ़ाई नहीं हुई उसकी, इस लाइन में लगने के बाद मैं तुम्हें कब ले जाऊं, सिद्धाश्रम कब ले जाऊं, मानस सरोवर कब ले जाऊं, ये आप आने वाली बात नहीं है और होने वाली बात नहीं, अब इसके पीछे एक ही है। अगर आपको 100 पत्नियां और 1000 बच्चे दे दिया तब गुरु जी जल्दी से मानस सरोवर ले जाओ, इनका पीछा नहीं छूटेगा मेरे से, ऐसा कहीं ये जब तक नहीं होगा तब तक आप मेरे साथ आने वाले नहीं। तो ऐसा कुछ करना होगा कि आपकी जितनी भी आज तक साधनाएं संपन्न की है उन सारी सिद्धियां आपके पीछे मिल जाए, सिद्धियों से तंग आ जाए आप, तब मेरे साथ मानस सरोवर आएंगे। तो आपके जीवन में आज तक जो भी आपने साधनाएं संपन्न की उस साधनाओं की सफलता किस प्रकार प्राप्त हो, पालन पोषण किस प्रकार हो, आपकी सारी समस्याओं का समाधान किस, जब भी समस्या लेके आते हो आप मेरे पास तो मैंने कोई ना कोई तुम्हें हाथ में यंत्र समा देता हूँ या कोई साधना बोलता हूँ, कोई मंत्र बोलता हूँ ये करो, फिर आप मंत्र ले जाते हो गुरु जी 10 दिन अच्छा हुआ 12वें दिन फिर वही कहानी फिर वापस आ गए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि तुम साधनाओं में सफल नहीं, साधनाओं को अधिक तक करते आ रहे हो या साधनाओं को कुछ देर तक लेके आ रहे हो या तुम्हारी कोई समस्या है तुम अधिक तक आ जा रहे हो, तुम्हारे साधनाओं में जो तुमने यंत्र तुम्हारे घर में रखे हैं या साधना की है उसमें सफलता प्राप्त हो और तुम आगे जीवन में मैं जो चाहता हूँ आप जो चाहते हैं, आप जो चाहते रहे तो आप तो चाहते ही रहेंगे, आप चाहते रहेंगे स्कूटर हुआ कार हुआ एरोप्लेन हुआ, गुरु जी आप अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूं तो अच्छा है, अब आपको कोई उसकी रुकने वाली बात नहीं, उसके एक के पीछे एक चलता ही रहेगा। तो इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा कि आपको ये सारी प्रेसिडेंटशिप दे के 4 अगर थप्पड़ कोई मार दिए जनता तो बोलेंगे कि नेता नहीं बनना है, और ये जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक आपको वहां तक ले जाना जरूरी है। मैं आज तक आपने जो साधनाएं सिद्ध की है साधनाएं सफल नहीं हुई है, आपके जीवन में कुछ न्यूनताएं हैं, उस न्यूनताओं को पुनः प्राप्ति के लिए मुझे जिस चीज को करना है उस चीज को नारायणास्त्र प्रयोग कहा गया है। जब जीवन में कुछ नहीं हुआ तब इंद्र को होया, वो देवताएं जिसकी साधनाएं आपने संबंध जिसका यंत्र आपके पास रखा हुआ है और वो यंत्र देने के बाद भी वो साधनाएं सिद्ध नहीं हुई और यंत्र सिद्ध नहीं हुआ, आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का रोग आपके ऊपर आवरित हो गया है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके ऊपर आधारित हो गई है, किसी भी प्रकार का एक परेशानी आपके ऊपर आ गई है, तो इसको जूझने से आपको क्या करना होगा, आपने आज तक जो साधनाएं की गुरु मंत्र जप किया है उसका फल आपको मिलना चाहिए और ये फल उसी समय मिल सकता है जब उन देवताओं पर उन यंत्रों पर जिसकी आपने साधना की है आप नारायणास्त्र प्रयोग करोगे। उन देवताओं को मैं इतनी साधना की हमारे किसी को सिद्धि नहीं हुई, क्यों बच्चा नहीं हुआ, क्यों शादी नहीं हुई, क्यों मेरा शरीर ठीक नहीं हुआ, हे नारायण इसके ऊपर ये अस्त्र चलाओ जिसने मेरा नाम काम नहीं किया है, जब आप बात कहेंगे और नारायणास्त्र प्रयोग उस देवता के ऊपर जाएगा वो देवता कहेगा अरे भाई मुझे छोड़ दे नारायणास्त्र मेरे पर प्रयोग हो रहा है मैं तेरा काम पहले करूंगा। तो इस नारायणास्त्र प्रयोग को भगवान मच्छिंद्रनाथ जी ने
सारे लोक कल्याणार्थ मथुरा के लोगों को भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से वो नारायण अस्त्र प्रयोग संपन्न करवाया था। वो नारायण अस्त्र प्रयोग इस बृहस्पति के सिंह राशि में रहते समय सूर्य के अस्त होने से पहले अपने गुरु के समक्ष अगर पांचमाना मंत्र जब उस यंत्र को, यह यंत्र चांदी में बनता है और इस यंत्र को प्रयोग करते हैं, तो आपने आज तक जो भी साधनाएं संपन्न की है या गुरु मंत्र जप किया है उन सभी को नारायणास्त्र प्रयोग से फिर सिद्ध कर लेने की क्रिया को बतलाया जाता है। यह मंत्र केवल सूर्यास्त से पहले, सूर्य नारायण के रहते समय सूर्यास्त से पहले इस मंत्र को संपूर्ण कर लेना है, बाद में इसकी दीक्षा लेनी। मैं आपको ऐसे ही नारायणास्त्र का प्रयोग इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी जीवन की हर इच्छा, आज तक जितनी साधनाएं आपने संपन्न की और या रोज जो मंत्र करते हैं, जिस देवता के पास जाते हैं उन मंत्र और देवताओं की सिद्धि आपको प्राप्त हो, इसलिए इस नारायणास्त्र प्रयोग को आपको समझा रहा हूँ। जो प्रयोग मच्छिंद्रनाथ जी ने लोक कल्याणार्थ किया था कि आपके पास देवताएं नहीं आते तो देवताओं को आने के लिए बाध्य करता हूँ, देवता आपके पास आकर आपको फल दे के जाएं। यह अस्त्र प्रयोग मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ, यह नारायणास्त्र प्रयोग है और यह प्रयोग मैं आपको समझाता हूँ इससे पहले कि तो एक भजन सुनाओ, तब तक नारायणास्त्र प्रयोग की सामग्री आएगी और उसके बाद मैं यंत्र समझाऊंगा। सूर्यास्त से पहले आपको इस मंत्र को करना है केवल पांच मारा। मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह करना है। आज तक आपने साधनाएं जो भी की है उसकी सिद्धि के लिए और इस यंत्र को करने के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे इस यंत्र को दबा देना है और जब तक वो पीपल के वृक्ष के लिए यंत्र दबा रहेगा तब तक आपकी सारी सामग्री, सारी साधनाएं पूर्ण हुई या नहीं हुई, जितने भी यंत्र हैं उन यंत्र सभी को आपके पास जो है वो आप नदी में विसर्जित कर रहे हैं और कहें कि हमारे आज तक के प्रयोग जो भी किए हैं वो सिद्ध हो जाने चाहिए और वो पीपल के वस्त्र, पीपल वृक्ष के नीचे जो यंत्र लिखा हुआ है 40 दिन के बाद उस यंत्र को आप अपने घर ले जाएं, आपकी सारे साधनाएं सिद्ध हो जाएगी। एक विधान मैं आपको विधान समझाता हूं, अब उससे पहले कि यंत्र और सामग्री की सरकार तब तक भजन होगा। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आपने आज तक जो भी साधनाएं संपन्न की या गुरु मंत्र जब करते हैं या मंत्र जब किया है उन सारी साधनाओं का फल इस नारायणास्त्र को उन देवताओं पर, उन यंत्रों के माध्यम पर जिसके आप साधना करके सफल नहीं हुई उसके ऊपर इस प्रयोग को हम करवाएंगे। इसे नारायणास्त्र प्रयोग कहा गया है। आप इस प्रयोग को संपन्न करें और आप आगे का जीवन, आगे के जीवन में क्या होना है मैं आपको समझाता हूँ। सूर्यास्त से पहले इस साधना को संपन्न करना है। 5 से 10 पीपल के वृक्ष हैं, आप जाकर उसके नीचे बैठकर साधना संपन्न कर सकते हैं पहली बार। नंबर एक। दूसरी, इस यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आपको कल जो नारायण स्तुति और नारायण स्मरण दिया हूं उसको 21 बार पाठ करने से उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी आपके नाम से। जिसको हाथ में धारण करते, हाथ में उस यंत्र को रख लेकर 21 बार पाठ करें उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और यंत्र आपका कहलाएगा। उसके बाद पांच माना आप मंत्र सूर्यास्त से पहले कर लेना है। सूर्यास्त से पहले औदुम्बर मेड़ चेट्टु किंद कानी, रावी चेट्टु किंद कानी, लेकुंटे वटवृक्षं मर्रि चेट्टु किंद कानी, ఈ సాధన చేసిన ఎడల 5 ఆకులు మీ పైన రాలితే ఆ సాధన సిద్ధించినట్టు, ఆ ఆకుల్లోనే దేవతలు ఉంటాయి, ఆ దేవతలనే మీ ప్రత్యక్షమైనాయని చెప్తాయి, అది విధానంగా చెప్పబడింది మత్స్యనాథుడి వలన। ఆప్ ఈ సాధన కు సంపన్న కర్నే కే బాద్ జబ్ కభీ భీ ఆప్ కో ఈ సాధన కరో, जिस देवता की साधना करो या किसी मंदिर में जाओ और लगा कि आपको इस मंदिर में आपको साधनाएं संपन्न नहीं हो रही है तो एक बार नारायण अस्त्र का प्रयोग उस मंदिर में भगवान को देखते हुए कर दो, पुजारी बुला के प्रसाद देगा। यह भी देख लेना कि इस नारायण अस्त्र में शक्ति क्या है। एक बार ऐसा ही हुआ था, राजा जयचंद नाम का एक अयोध्या में रामचंद्र जी का मंदिर अपने पहले से भी मच्छिंद्रनाथ के जमाने से भी था तो, और वो जाना चाह रहे थे तो राजभट्टों ने कहा राजा की पूजा चल रही, चल हट, मत्स्यनाथ को हटा के फेंक दिया। मत्स्यनाथ ने कहा अरे बाप ऐसी बात, बाहर जाके खड़े रहे और जैसा ही राजा पूजा करने के लिए गया उन्होंने वातास्त्र का प्रयोग किया। बोले ये सैनिकों पर प्रयोग करने से कोई फायदा नहीं, राजा के ऊपर डायरेक्ट कर दे तो ठीक है। उन्होंने राजा के ऊपर वातास्त्र प्रयोग किया, राजा उल्टा पलटा गिर गया, नीचे गिर गया। राजा को क्या हुआ, सब लोग देखने लगे, मंत्री बहुत होशियार था, बोला कोई सन्यासी यहाँ आया है क्या नाथ संप्रदाय का, राजा गिर गए हैं, देखे मच्छरनाथ सबसे पीछे खड़े हुए थे, अच्छी तरफ बैठे हुए थे, धुनी लगा। बोले महाराज गलती हो गई क्या, राजा गिर गया है, मेरे को दर्शन जाने से रोकने वाला ये राजा ये है कहाँ से है, आप ये बात याद रखो। उन्होंने राजा जयचंद को कहा कि राजा वहां से उठ के आने के लिए कहा कि राजा को पहले मेरे चरण धूलि को ले लो,
उन्होंने चरण धूली जाकर राजा को लगाई। तब राजा उठ के आया, प्रभु पहले आपका दर्शन होगा बाद में मेरा, अगर आप भी इस संप्रदाय में आने वाले हैं तो देख लेना कभी कोई आपको दर्शन के लिए रोक दिया जाए तो एक बार नारायण अस्त्र प्रयोग करके। पहला प्रयोग तो आप शिवा पे ही करेंगे। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आपको 21 फूल रख लेकर पहले यंत्र को सामने और माला को यंत्र को हाथ में रख लेकर नारायण स्तुति और नारायण स्मरण को 21 बार आपको पढ़ना है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे या औदुम्बर वृक्ष के नीचे या फिर वटवृक्ष के नीचे इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। सूर्यास्त से पहले 5 माला पूर्ण करना है। मैं रात में इसकी दीक्षा आपको प्रदान करूंगा और ये नारायण अस्त्र की सिद्धि केवल इस 5 माला की सिद्धि से ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। बाद में इस यंत्र को क्या करना है मैं आपको बतलाऊंगा। पहले आपको इस यंत्र को यंत्र को सामने रखकर 21 फूल ले लो या 21 कोई आपके पास कोई दाने हैं वो ले लो और उस यंत्र को आपके पास रख लेकर 21 बार नारायण स्तुति और नारायण स्मरण का पाठ करो, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद आप 5 माला जप करो और इस यंत्र को आपके सामने जो नारियल रखा हुआ है उसके ऊपर रखना है बाद में मंत्र जप करते समय, और जब नारायण स्तुति और नारायण स्मरण कर रहे हैं तब हाथ में रहना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होगी। ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగే ముందు మీరు యంత్రాన్ని చేతిలో పెట్టుకుని 21 నారాయణ స్మృతిని నేను ఏదైతే ఇస్తున్నానో నవనాథ స్థుతిని నేను 21 చదువుకుంటే దాంట్లో ప్రాణప్రతిష్ఠ జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత కొబ్బరికాయ మీద యంత్రాన్ని పెట్టి 5 మాలలు జపం చేసిన ఎల్లా ఆ యంత్రం సిద్ధిస్తుంది. ఈ యంత్రాన్ని ఏ విధంగా వాడాలో నేను చెప్తాను. ఈ యంత్రం ఈ సిద్ధి కొరకు వెడి చెట్టు కింద కానీ రావి చెట్టు కింద కానీ లేకుంటే మరి చెట్టు కింద కానీ చేసిన అడుగులు తొందరగా సిద్ధిస్తుంది. అలా కాని పక్షంలో కూడా గురువు ఎదురుగా కూర్చుని 21 రావి ఆకులు కానీ మరి ఆకులు కానీ మేడి ఆకులు కానీ తెచ్చి తన ఆసనం కింద వేసుకుని కూడా ఈ సాధన చేయవచ్చును. సూర్యాస్తమయంలో చేస్తే రాత్రి దీక్ష ఇస్తాను. కనుక అభి ఆప్ సభీకు సాధనా కర్నే కే లియే చోడ్ రహా హూం. పహలే స్తుతి ఔర్ స్మరణ కర్ లో, యంత్ర కో హాత్ మే రఖ్ లేకే బాద్ మే సాధనా సంపన్న కరో, యా తో వృక్ష కే నీచే యా తో వృక్ష కే పాన్ అప్నే ఆసన్ కే రూప్ మే డాల్ కర్ కో. एक बार बोलो बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैं गोल्डी को और उनको कहता हूँ कि एक बार निखिल ध्वनि या नारायण ध्वनि जोर से करो। ये लोग सब उठ के एक बार ताली बजाएं। ये चैतन्य नहीं है, पूरे आधे मरे हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा क्या करेंगे, खाक प्राण ही नहीं है। एक बार प्राण फूंक दो। पानी पिला दिया। ये सब लोग जानते हैं, एक महाराष्ट्र में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है और रामदेव बाद में सभी के साथ पंढरपुर आ गए। सभी ब्राह्मण अपना गंगा जल लगाए भगवान विठोबा पर चढ़ा रहे थे। विठोबा पर चढ़ा रहे थे लेकिन विठोबा की मूर्ति भीग ही नहीं रही थी, उनके ऊपर पानी ही नहीं लग रहा था। सब लोग पानी डालते गए, अरे मूर्ति भीग क्यों नहीं रही, मूर्ति के ऊपर पानी क्यों। बाद में नामदेव पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा मेरा भी पानी चढ़ाता हूँ। चल हम इतने सब चढ़ाए पानी नहीं भीगा, विठोबा गधे को लगाया वहां पानी नहीं चढ़ाता है। मूर्ति से आवाज आई कि नामदेव को भेजो, नामदेव को भेज दो। और नामदेव ने जो गधे को पानी देने के बाद जो बचा था वो पानी चढ़ाया और मूर्ति भीग गई। सब लोगों को आश्चर्य लगा कि हुआ क्या, सभी को पता नहीं। जब काशी नामदेव जी गए थे वहां गहनी नाथ थे और काशी में स्नान करके आ रहे थे तो नामदेव को गहनी नाथ जो नाथ साम्राज्य के विजय थे उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग दिया था। यह प्रयोग ये केवल गहनी नाथ के ही उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नामदेव नाम का एक शिंपी मेरे से नारायणास्त्र प्रयोग लिया था। उसका फल क्या हुआ वो यहाँ आने के बाद पता चला। उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, सारे ब्राह्मणों का पानी रह गया और शिंपी को गधा के पिलाया हुआ पानी विठोबा ने स्वीकार किया। अब आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटे चमत्कार तो नारायणास्त्र प्रयोग जरूर करना। हमारे में अगर शुद्धि है, हमारा कार्य अगर सीधा है तो जरूर होगा। जहां अन्याय नारायणास्त्र प्रयोग नहीं होने देगा, तुम्हारे ऊपर अन्याय नहीं होने देगा, चाहे वो देवता भी क्यों ना हो तुम्हारे ऊपर अन्याय नहीं करेंगे जिसके पास नारायणास्त्र प्रयोग है। यही बात आपको पता है, यहाँ एक अन्नमैया नाम के एक उन्होंने भी तेलुगु में साबर विधान में ही तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर की पंक्तियां लिखी जिसे अन्नमैया कहा जाता है। वहां की भी ऐसे ही दंडपाणी था, क्षेत्रपाणी, वो दरवाजा बंद कर देता था अपने गणिका को मिलने के लिए जाने के लिए। उसकी एक फ्रेंड थी, उसको मिलने के लिए जाना था तो मंदिर जल्दी बंद करवा के भाग जाता था। तो उसने एक बार मंदिर बंद करवाया है तो उन्होंने अन्नमैया उधर आए, बोली भगवान का तिरुपति का दर्शन, चलो अभी समय नहीं हुआ मैं मेरे गणिका के साथ स्नान करने जा रहा हूँ पुष्करणी में। अरे मंदिर भगवान को बंद करके तू जाना है, कोई मतलब है, अन्याय है यार, तो अन्याय भी नहीं मार खाएगा, ऐसा नहीं होने का। तो कहते हैं कि अन्नमैया ने भी इस नारायणास्त्र का प्रयोग किया और मंदिर के दरवाजे खुल गए। वो दर्शन देखे तो वो चक्करा के गिर गया कि ये क्या हो, ये कौन आदमी है कि मंदिर के दरवाजे खुल गए।
अन्याय नारायण अस्त्र प्रयोग कभी अपने ऊपर अन्याय नहीं होने देता। अगर जिसने प्रयोग किया है देवता भी उसके ऊपर अन्याय नहीं कर सकते। इस बात को बताते हुए मैं इस प्रयोग को आपको समझा रहा हूँ कि आपके ऊपर न्याय से जो भी चलोगे, जिस समय भी प्रयोग इसको करोगे तो आपको जरूर देवता दर्शन देंगे और देवता आपकी सहायता करेंगे। इसलिए एक बार पुनः हम हमारे गुरु जी को नमस्कार करते हैं, जय घोष करेंगे। बोले परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की, पूजनीय माता जी की, पूजनीय गुरुपति गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम साधक परिवार की, बोलो हर हर महादेव। हम नाथ सांप्रदाय के गुरुओं को भी आज जय घोष करते हैं, बोलो नवनाथ भगवान की। आज आप निशेषानंद स्वामी जी को नाथ सांप्रदाय में देखकर इस साधना को संपन्न करें। मैं रात में इसकी दीक्षा दूंगा। मैंने आपको समझा दिया है, पहले 21 बार आप यंत्र को हाथ में रखकर प्राण प्रतिष्ठा यंत्र पर करें, उसके बाद यंत्र को नारियल पर रख दें और पांच माला जप करें। इसकी विशेषता यह कही गई है कि जो पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे या उदुम्बर वृक्ष के नीचे साधना को संपन्न किया जाए तो निश्चित रूप से पांच पत्ते पड़ते हैं, वो देवता होते हैं और वो देवता तुम्हारे को सिद्धि प्रदान करते हैं। जैसे मैंने मार्कंडेय पुराण या मार्कंडेय कृत्य मच्छिंद्रनाथ जी के बारे में बताया था, सारे देवता उनको पत्ते गिर कर प्रसन्न हुए, इसमें ऐसा कहा जाता है। अब आपको देखना है कि आप कितने सिद्ध हैं और मेरा यंत्र कितना सिद्ध है, मेरा मंत्र कितना सिद्ध है, आपको देखना है। ये कार्य वहां करें। अभी इस सिद्धि के लिए हमारा सुधीर है, आप जानते हैं, अपने आप को बहुत साधक बखारता है, साधक अपने आप को साधक बोलता है। अगर इस साधना को सच्ची रूप से और भी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इसको क्या करना है कि बिना जल ग्रहण करिए, जल भी न ग्रहण करते हुए अगर ये पांच माला करते हैं तो बहुत सिद्ध कहलाया जाता है, या एक पांव पर खड़े होकर पेड़ के नीचे करते हैं तो निश्चित रूप से सिद्धि मिलती है, ऐसा कहा गया है। आपसे होता है या नहीं होता है?